पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सुधांशु जी महाराज के आयोजित कार्यक्रम स्थल पर भक्त जनों के द्वारा प्रतिदिन शाम को संकीर्तन करके उन्हें नमन किया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद में पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत की भी तैयारी की जा रही है। विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में आयोजित होने वाले विशाल भव्य कार्यक्रम को लेकर आज कार्यक्रम स्थल पर महिला सदस्यों के द्वारा भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया, तो वहीं विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट के प्रधान भी अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि प्रतिदिन शाम को महाराज जी का संकीर्तन करके उन्हें नमन किया जा रहा है और उनकी आरती की जा रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी पदाधिकारी और भक्त जनों का कहना है कि महाराज जी का बेसब्री से इंतजार है और सभी उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर सुंदर भजनों का भी गायन किया गया। महाराज जी ने कृपा दृष्टि करी है हम लोगों पे, मुरादाबाद के लोगों पे, तो उनका सुस्वागत हम क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद के लोगों से, धर्म प्रेमियों से? भाई मुरादाबाद की जनता इससे लाभान्वित हो रही है, इससे बढ़ के कहते सौभाग्य हमारे लिए क्या है। ये बड़े खुश नसीबी की बात है मुराद वालों के लिए कि हमारे गुरु महाराज जी ने यहाँ के लिए समय निकाला है और गीता का बहुत सुंदर तरीके से उसका अर्थ बताते हुए कि सीधे तरीके से सबके अंदर पहुँचता है और उसका सबको लाभ मिलता है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन में कैसे हमें जाना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, कैसी हमारी रहनी होनी चाहिए और जो हम कहते हैं अंदर भी वैसा ही होना चाहिए, ये हमारे गुरु जी इस पर विशेष ध्यान देते हैं। क्या उम्मीदें रहेंगी हमारी मुराद की? लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके उसका लाभ उठाएं, ज्ञान का प्रसाद ग्रहण करें और की सारी व्यवस्था बैठने की, जलपान की सारी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, भंडारे की भी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।